26 अगस्त 2018 रक्षाबंधन गज केसरी महासंयोग। आठ राशि वालों के लिए खुलेगा राजा बलि का खजाना। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 26 अगस्त 2018 रविवार का दिन है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और धनिष्ठा नक्षत्र है जो कि 12:34 तक उसके पश्चात शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। कुंभ राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे और यदि हम दिशाशूल की बात करें तो पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना हानिकारक माना जाएगा। यदि किसी स्थिति में आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करना अत्यंत अनिवार्य या आवश्यक हो तो आप पान खा करके पश्चिम दिशा की यात्रा कर सकते हैं, अन्यथा पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। इस दिन ग्रहों का जो संयोग बन रहा है उसके अनुसार जो है आठ राशि वालों के लिए जो है विशेष धन लाभ का अच्छा संयोग बना हुआ है। इनके लिए कोई नई सौगात मिल सकती है। इसके अलावा इनको जो है कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होंगे जिससे इनके कार्यक्षेत्र में अच्छी उन्नति और प्रगति के मार्ग इनके प्रशस्त होंगे। साथ ही इनका रुका हुआ पैसा इनको मिल सकता है। अचानक धन लाभ का उत्तम योग इनके लिए बन सकता है। कई कार्यों में इनको जो है अच्छा लाभ मिलेगा। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें, ग्रहों के राजा सूर्य देव सिंह राशि में होंगे, वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे, मंगल ग्रह मकर राशि में होंगे और गुरु ग्रह तुला राशि में होंगे और शुक्र की यदि बात करें तो वो कन्या राशि में होंगे। शनि ग्रह धनु राशि में होंगे और राहु ग्रह वहीं जो है कर्क राशि में होंगे और केतु मकर राशि में होंगे। ग्रह गोचर के अनुसार जो है आठ राशियां इस प्रकार रहेगी। इन आठ राशियों के नाम है मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन। इन आठ राशि वालों को राजा बलि विशेष रूप से जो है सौगात दे सकते हैं। इनके लिए अच्छा लाभ का संयोग बन रहा है। इसके अलावा जो है इन आठ राशि वालों को यदि धन प्राप्ति का अच्छा संयोग बनाना है तो आज के दिन जो है माता महालक्ष्मी के चित्र के सामने एक खड़ी हल्दी या हल्दी की गठान या सूखी हल्दी आपको चढ़ा देना है। इससे माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न रहेगी क्योंकि लक्ष्मी जी को हल्दी सर्वाधिक प्रिय होती है और यदि आपने लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया तो राजा बलि स्वतः ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके लिए जो है धन प्राप्ति का उत्तम योग बनेगा। आपको सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले जो है माता लक्ष्मी जी के फोटो के पास में या माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके आपको जो है खड़ी हल्दी या सूखी हल्दी चढ़ा देना है। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी आपके लिए जो है अपना पूरा खजाना जो है खोल देगी और आपको सभी प्रकार से धन लाभ का उत्तम योग बन सकेगा। तो मित्रों हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।